इस दिन तक आई वॉज वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर माई लाइफ. वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल, बट आई नेवर थॉट दिस डे गोना चेंज माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ. अच्छा ठीक है, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. तो आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डिड माई लाइक मॉर्निंग रूटीन, जो भी सुबह का सारे कोर्स रहते हैं मेरे, वो सारे मैंने सब कर दिए. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, और उसके बाद मैंने अपना बैठ करके बुक रीडिंग किया. और इस बार मैंने ये सोच के रखा था कि लर्न अ न्यू स्किल इन एवरी वीक, कोई भी नया हफ्ता आएगा आई लर्न समथिंग. ये मेरी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इन लॉन्गर रन. सो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग टुडे. सो मैं सुबह अच्छी फीलिंग के साथ आई वॉज़ डूइंग एवरीथिंग, कि बुक पढ़ना है, आई वॉज़ डूइंग लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग कर रही थी एंड अपनी पढ़ाई कर रही थी चुपचाप से. बट लाइफ ने एक बहुत ही अजीब सा मेरा टोन ले लिया, आई टेल यू इन द लेटर हाफ ऑफ द वीडियो. उससे पहले आई एम गोना टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स इन लाइफ. जैसे बहुत सारे न्यू एस्पिरेंट्स हैं और जो पुराने हैं दे आर वेटिंग फॉर द एज बैक लॉक रिजल्ट्स. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट डोंट यू वेट फॉर इट, बिकॉज आई हैव हर्ड समवेयर दैट अगर 19th of April से पहले रिजल्ट्स नहीं आते, दैट मीन्स वो डिले हो चुके हैं 1st of June तक. सो उस टाइम तक वेट करना एक मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी. यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स द क्लर्क रिजल्ट, राइट? और अपने एम बड़े रखो, अपने सपने बड़े रखो एंड अचीव मोर इन लाइफ. एंड इफ यू लाइक एम फॉर द मून, यू फॉल इन टू द स्टार्स, राइट? तो समथिंग लाइक दैट, आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. सो ये मेरी तरफ से एक एडवाइस रहेगी, अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम माई साइड. सो आई वॉज डूइंग द सेम, मतलब मुझे था कि मुझे दिन में ये करना है, वो करना है, एक नई एक्टिविटी करनी है, आई मीन आउट ऑफ माई दिस बलून कि मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ सीखना है. सो दिस हैपेंड. तो अभी आई एम इन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, और मुझे अभी जैसे हम सब के पास अभी टाइम था, तो वाई नॉट टू लर्न फ्यू थिंग्स. और जिसमें से एक मेरा था कि मुझे बेकिंग सीखनी है, क्योंकि मुझे बेकिंग बिल्कुल नहीं आती. और ये बहुत ऐसे फैंसी भी लगता था, अरे यार पीपल नो हाउ टू बेक, वो कुकीज़ बना रहे हो, केक्स बना रहे हैं, और मुझे बेकिंग आती नहीं थी. तो मैंने खुद को चैलेंज किया कि अच्छा ठीक है चलो बेकिंग सीखते हैं. और फन फैक्ट ये है कि यहाँ पर मेरे पास ओवन भी नहीं है, और विदाउट ओवन विदाउट माइक्रोवेव आई बेक्ड अ केक, और इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक सो गुड. मतलब दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम बेकिंग समथिंग, और ये इतना सुंदर लग रहा है. दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ नो ज़ीरो मैदा वाला केक, और दिस इज़ कम्प्लीटली मेड आउट ऑफ लाइक आटा, एंड इट इज़ लुकिंग सो सो गुड. सी आई मीन बेकिंग में ऐसा हो जाता है, द पीपल हु नो हाउ टू बेक, कोई मुझे ऐसे जज करेंगे नौ सीखिए जिनको पता नहीं है कि बेकिंग में ऐसा हो जाता है. तो ये बेकिंग प्रॉपरली हो चुकी है. तो मैंने बनाया है बनाना फ्लेवर का केक कम ब्रेड, जो भी आप इसे बोलो. नाउ द थिंग इज दैट आई एम सुपर हैप्पी, और मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसे कट करूं. बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था, और ये पेशेंस का रिजल्ट ही है यार. इट टुक मी लाइक टू लॉन्ग आवर्स टू बेक दिस केक. एनी वेज उसके बाद शाम में मैं आई फेल फ्रॉम स्टेयर्स, और मैं अपना पैर तोड़ बैठी थी, आई फ्रैक्चर्ड इट. और उसके बाद वी वेंट टू द हॉस्पिटल, एक्सरे करवाया, और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया, डोंट यू ट्राई टू मूव फ्रॉम योर बेड, बहुत इमरजेंसी होगी तभी इधर उधर जाना, अदरवाइज टेक द फुल रेस्ट. एक हफ्ते का तो फुल बेड रेस्ट मिल गया है मुझे. आई ब्रोक माई लिगामेंट एंड इट इज़ अ हेयरलाइन फ्रैक्चर, बट क्या ये एडवाइस मुझे हॉस्पिटल से मिल गई है. और उसके बाद मैं घर वापस आ गई. तो मुझे आपको बस ये बताना था कि लाइफ कैसे अजीब से टर्न लेती है यार. आई हैव नेवर थॉट कि मेरे तो इतने सारे प्लान्स अलग थे, और मुझे कभी नहीं लगता था कि मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा और वो मेरे प्लान्स पे से फुल स्टॉप लग जाएगा. फुल स्टॉप तो नहीं लगा है मुझसे कि कॉमा लग गया है, बट आई डेफिनेटली ट्राई टू कंटिन्यू दिस थिंग. आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ टू.